वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं, उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको कैसे बेहतरी की जानिब लेके जाया जा सकता है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, इस पर ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर फरहान इबादत ने जो कि प्रिंसिपल हैं एमए कॉलेज के, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद काजमी साहब, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं आपकी जानिब आऊँगी पहले, चूँकि हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, डेफिनेटली हमारे कुछ ना कुछ ऐसे फ्लॉज तो हैं जो टाइम के साथ साथ कुछ बेहतर भी हो रहे हैं, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। आपके नज़दीक क्या ऐसे फ्लॉज हैं जो एजुकेशन सिस्टम में अभी मौजूद हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा अगर इसको फ्लॉ कह लें या डेफिशिएंसी कह लें, वो हमारे दो डिफरेंट तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, सरकारी और निजी। देखिए, एक ज़माना था कि हम लोग, मतलब मैंने जब लेट 70s में 79 में जब मैंने मेट्रिक किया तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाना है, और मेरी कोई और प्रेफरेंस नहीं थी। अब कई दफ़ा ये प्रेफरेंस नहीं होती लोगों की। मैंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन में मेरी पहली चॉइस थी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। मैं एमए के लिए गया, मेरी पहली चॉइस थी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। आप आज के बच्चे से बात करेंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बहुत बड़ा अदारा है, पाकिस्तान का सबसे पुराना अदारा, मगर लोगों की प्रेफरेंस नहीं। अब लोगों की प्रेफरेंस लम्स हो जाती है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाती है, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी हो जाती है। एक तो ये, इसी तरीके से आप स्कूल्स के ऊपर आएँ तो ये है। मगर मैं ये बात बार बार कहूँगा कि हमारे जो सरकारी तालीमी इदारे, पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किसी सूरत में भी किसी भी प्राइवेट इदारे से कम नहीं है। स्पेशली मैं हायर एजुकेशन की बात करूँगा, स्कूल एजुकेशन के बारे में मैं इतना नहीं शायद कह पाऊँ, हालांकि मैंने पिछले दिनों स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में भी काम किया है। थोड़ा मुझे वक्त तकरीबन 4.5 साल काम करने का मौका मिला, कि मैं पाकिस्तान रेलवेज में, मुझे डिपुटेशन में था, मैं उनके स्कूल सिस्टम को हमने देखा, तो उस पर भी मैंने ये देखा कि प्राइवेट और वर्सेस द पब्लिक सेक्टर सिस्टम, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हायर एजुकेशन के अंदर निस्बतन कम है मगर हैं। क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या, हम जो एक तालीमी निज़ाम को डिवाइड कर देते हैं कि ये शायद गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स, अगर आप आज के पेरेंट्स भी देखें, वो गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्रेफर करते हैं कि वो कम फीस वाले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को ना पढ़ाएं। आई बिलीव दिस इज अ साइकी। गवर्नमेंट स्कूल में भी उतने ही अच्छे या बुरे असातिज़ा हो सकते हैं जितने एक प्राइवेट स्कूल में हो सकते हैं। मैं बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूँ, और बोर्ड्स जो होते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के इंटरमीडिएट लेवल तक। तो हमने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज देखे। मसलन हम 15-20 SOPs हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। मैं जब बोर्ड का चेयरमैन था, मैं कहता था कि सिर्फ 3 SOPs को फॉलो कर लें। एक होता था कि आपकी लैब्स प्रॉपर हों, वेल वेंटिलेटेड हों एंड प्रॉपर लैब्स हों। 2, दे शुड बी अ लाइब्रेरी। आई हैव सीन स्कूल्स व्हिच वर मेड इन 3-4 मरला हाउसेस एंड विद नो लाइब्रेरी। आई सेड यू कि आपको लाइब्रेरी बनानी है, किताबें रखनी है, लाइब्रेरी रखनी है। और तीसरा वो एक डिफरेंट वो चीज़ है, कहते थे कि अगर कोई एजुकेशन कर रहे, कोई एजुकेशन अलाउड नहीं है, 8th तक आप रख सकते हैं, और उसमें रखे तो आपको अलहदा एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स अलहदा रखने हैं। मैं कहता था सिर्फ 3 आप ये SOPs पे कर लें, हमें प्रॉब्लम आती थी, शदीद प्रॉब्लम आती थी इसके ऊपर भी, उसको रेगुलेट करने में। बेसिकली ये चीज़ें हैं कि अच्छाई और बुराई हर जगह पे होती है। पीपल एक साइकी बन चुकी कि हम सरकारी इदारे में या सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। मेरे पास, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान रेलवेज में मैं जब था, मेरा स्कूल था पाकिस्तान रेलवेज का, वो भी सरकारी इदारा है भाई, सरकारी स्कूल था, और मुझसे कोई लिटरली 100 गज के फासले पे एक और सरकारी स्कूल था। मेरे पास तकरीबन 1200 बच्चे थे, उनके पास 300, क्योंकि मेरे स्कूल को समझते थे कि ये एक प्राइवेट स्कूल है, हालांकि वो भी एक सरकारी स्कूल ही था। ये एक साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक साइकी बन चुकी है, लेकिन इस साइकी को बनाने के लिए जो रोल मॉडल हम पेश कर रहे हैं वो उसकी वजह बन रहा है, क्योंकि हर बंदा तो अब नॉर्मल नहीं है, वो साइकी तो नहीं है, साइको पेशेंट तो नहीं है कि वो एक ट्रेंड बना ले कि मैंने प्राइवेट बच्चे। अब जिसके पास 500 रुपया महाना देने के लिए है ना, वो अपने बच्चे को कोशिश करता है कि वो प्राइवेट स्कूल के अंदर उसको दाखिल कराए। उसकी वजह मैं बताता हूँ, बेसिक जो उसकी वजह है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट की तो जो एजुकेशन सिस्टम पे मुकम्मल तौर पे फोकस नहीं है, पहली बात। दूसरी, उसकी उसका जो लूजपन है, जो उसको फोकस ना करना है, उसकी वजह से जो फैकल्टी और टीचर्स हैं
वो उस बच्चे को उस आप देखें कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक मैट्रिक या एफ ए पास प्रिंसिपल उस टीचरों को हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और उससे अच्छी एजुकेशन दे रहा है। अभी आप जो 5,000 स्कूल सबक गवर्नमेंट ने प्राइवेट किया, आउटसोर्स किया, उसकी तालीम उसी बिल्डिंग के अंदर अब सिस्टम है और वो टीचर को भी मैं समझता हूँ, मुझे कंप्लेन है कि वो उसको पे भी थोड़ी दे रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट अच्छी कर रहे हैं तो एजुकेशन अच्छी हो गई है, किताबें भी वही हैं। मसला ये कि जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, आपकी तो जो तरजीहात में एजुकेशन गवर्नमेंट के नहीं आएगी, ना तो टीचर ठीक होगा, ना तलबा ऐसे आएंगे, ना ही उस तरह का आपको कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे आप किसी को मुतासर कर सकें। अच्छा, वही बात जिससे सजाद कादमी सर का प्रायोरिटीज में हमारी शामिल नहीं है एजुकेशन, ना पिछली गवर्नमेंट की ना इस गवर्नमेंट की बज़ाहिर तौर पर, क्योंकि अभी बहुत कम टेन्योर हुआ है। लेकिन एट द एंड जब एक साइकी, आप जो बात कर रहे थे, साइकी तो डेफिनेटली बन चुकी है, लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वही बात कि हमारे पास कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये इवन पब्लिक कहती है कि अगर किसी सरकारी अफसर का बच्चा इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो शायद इस गवर्नमेंट स्कूल की हालत बेहतर हो जाए। आपकी बात से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिल्कुल जो सजाद साहब ने बात की वो ऐसी चीजें हैं, मगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती हैं एजुकेशन सेक्टर पे। आप यस आपकी कह सकते हैं कि उतनी नहीं होती, बट डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट की भी थी, इनकी भी है और ये नई हुकूमत जो है ये तो इस पर भरपूर काम कर रही है। स्कूल लेवल के ऊपर भी मुझे पता है कि वो लोग कर रहे हैं और हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर तो मैं 2-3 कमेटीज का मैं खुद मेम्बर हूँ। बहुत प्रायोरिटी के साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं राजा यासर मई यंग मैन, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग्स, वो इस पर डेफिनेटली वो काम कर रहे हैं। आपने जो बात की कि जो पिछले टेन्योर के अंदर जो पेफ ने वो स्कूल्स दिए थे पंजाब, देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्कूल्स हैं बहुत ज़्यादा और उन स्कूल्स में इनरोलमेंट का मसला। अभी आप यहाँ बैठे हुए थे तो मैं आपकी हेडलाइंस में देख रहा था कि शायद आ रहा था कि इनरोलमेंट बढ़ाई जाए स्कूल में, अभी आ रहे हैं सैटरडे को इफ्तार करने जी, इनरोलमेंट इनरोलमेंट वो जो स्कूल्स दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे कि इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और उसमें गवर्नमेंट उनको पैसे देती थी 750 रुपए या 700 कुछ समथिंग लाइक दैट रुपए पर बच्चा उन एनजीओस को दिया जाता था। ऐसे नहीं वो लोग वो काम कर रहे थे, उनको पैसा दिया जाता था और उस पर वो सिर्फ इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट का था। इससे पहले अभी सरकारी स्कूल में 1650 रुपए में बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो 750 में टीचर समेत आपको खर्चे देखिए आपका बच्चा अगर बच्चा सरकारी स्कूल में तो तालीम मुफ्त है, किताबें मुफ्त हैं, यूनिफॉर्म मुफ्त है, जाता तो गवर्नमेंट की जेब से है ना, तो गवर्नमेंट 750 अगर उसको दे देगी 1650 से निकाल के, तो आप इसका मतलब है कि सारे सिस्टम को प्राइवेट कर देना चाहिए, आउटसोर्स कामयाब जा रहा है। वो यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो बेसिकली किया किस लिए गया था कि इनरोलमेंट्स को बढ़ाया जा सके, एक उसको एक उनका सर जब तक हम साफ पीने का पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे स्कूलों के अंदर, एनवायरमेंटल नहीं अच्छा होगा, हमारे ग्राउंड नहीं होंगे, लोग प्रेफर नहीं करेंगे उनका बच्चा। अब देखें हमारा माइंड जैसे आपने कहा साइकी बन गई, ब्रांड आपने बीकन हाउस और फलां ग्रुपों के नाम लिए कि ब्रांड, बच्चा कह रहा हायर एजुकेशन में मैंने फलां यूनिवर्सिटी में जाना, हम ब्रांड सर हम ब्रांड की तरफ नजर आता है। अब आप देखें प्राइवेट स्कूल पहले स्कूल पहले जमाने में जैसे आपने बताया, मेरे अपने वालिद साहब, मैं अपने इर्गिर्द देखती हूँ, सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए और उनका फ्यूचर भी बना है, अभी भी ब्यूरोक्रेसी तकरीबन वही आपकी। देखिए पहले हमें अगर आप उठा के ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देख लें, गवर्नमेंट के अंदर उठा के देख तो सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, लेकिन जो लाहौर पंजाब में क्यों प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लेकिन उर्मिला उस वक्त प्रायोरिटी नहीं थी, और कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। अब देखें जो सीएसएस करके लड़के आ रहे हैं उनसे पूछें, कोई भी नहीं इसमें पढ़ा हुआ सरकारी स्कूल के अंदर। अब हायर एजुकेशन की बात करें, आप एक प्रिंसिपल एम ए कॉलेज के, बड़ा तारीखी कॉलेज है, हायर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल की निस्बत हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा बेहतरी है। अब देखें एक बोर्ड के अंदर, लाहौर के अंदर उर्मिला पंजाब के अंदर 9 बोर्ड हैं तालीमी, एक बोर्ड के अंदर 1.5 लाख बच्चा मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में आता है, आपके पास 700-750 कॉलेज है, आप बताएं कि आपके पास तो सीटें मौजूद नहीं है, बच्चा जिसके पास पैसे हैं वो सरकारी कॉलेज में नहीं जाता, मास वाइज बहुत बच्चे जो जिसी यूनिवर्सिटी और ये वो कॉलेज हैं उसकी तरफ प्रायोरिटी है उनकी और उसकी तरफ तरजीह देते हैं, मगर हमारे कॉलेजों की सूरत हाल इतनी संगीन है। आप देख लें लाहौर की मिसाल ले लें, लाहौर डिवीजन में गिरदोनवा में जो कॉलेज है आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा सरकारी कॉलेज का, पढ़ाना तो दूर की बात है,
کانے جلو شادرے اور ان شہروں پہ آپ کالجز دیکھیں ادھر کے بچے کالج کے پاس سے لاہور کی طرف پڑھنے آتے ہیں وجہ کہ ہم اپنا انوائرمنٹل وہ نہیں دے رہے اس کالج کے اندر جو اس کو دور سے ملتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کا میں آپ کا جواب دیتا ہوں, تفصیلی جواب دیتا ہوں. دیکھیے لیکچرر جو سرکار بھرتی کرتی ہے پبلک سروس کمیشن سے اس کی ایک کوالیفیکیشن ہے. جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہے, جو ایم یو کالج میں ہے, یا آپ نے جو مضافاتی اداروں کے لیے, یا پنجاب میں کہیں پہ بھی ہے, پنڈی بھٹیاں میں ہے, کسی صدقہ آباد میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوالیفیکیشن تو اس کی وہی ہے سملر کوال, اور وہ ایک پروسیس سے ہو کے آتا ہے. دیکھیے یہ اگین میں بات کرتا ہوں کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کالج میں آ جائیں یا شہر کے کالجوں کے اندر آ جائیں. یہ تو گورنمنٹ کی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو ان کے گھر کے پاس, ہماری ایک یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے, مطلب لاہور کی طرف جا کے ہم تعلیم لینی ہے. آپ کو وہاں پہ لیکچررز بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ اساتذہ بھی موجود ہیں, بلڈنگس بہت اچھی ہیں ہمارے کالجز جو سرکاری ہیں, ان کی بلڈنگس وغیرہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اسکول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیے ہماری پرائیورٹی ہے. اب میٹرک میں 1000 ارملا نمبر لینے والا بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کے آپ کہیں سرکاری کالج میں اسے عام سرکاری کالج میں کرا دیں, وہ بیچارہ نمبر لینا تو دور کی بات, وہ انٹر میں فیل ہو جائے گا. اور جو سرکاری اسکولز یا کالجز کی بات کریں اس کے ساتھ بچے ٹیوشنز بھی پڑھ رہے ہیں. ابھی فرحان صاحب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, سابق گورنمنٹ نے آچیما ہائر ایجوکیشن کے سیکٹری چاہے وہ جونیئر تھے, انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا گریجویٹ ہے وہ انگلش میں کمزور ہے, اور انگلش میں بھی اردو میں بھی دونوں سائڈ میں درمیان میں پھنسا ہوا ہے, 2 سال کا گریجویشن ہے ہمارا, تو اس نے بی ایس کر دیا ہمارے, انہوں اس نے ایک ترجیح دی کہ میں پائلٹ پروجیکٹ پہ طور پہ 26 کالجز میں اس نے 4 سال بی اے کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نہ تو ابھی تک ان سے فیکلٹی آئی, یعنی 26 سالہ اس میں سائنس ٹیچر نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پاس لیبارٹیاں نہیں ہیں, ان کے پاس لائبریری نہیں ہے. ٹھیک ہے, سزا صاحب نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میرا کالج ان کالجز میں تھا, ایم یو کالج لاہور, ان 26 کالج اور اب 53 کالجز میں, بائی دی وے آج دیر 53 ناؤ, میرا ان پہلے کالجز میں تھا جو انیشیلی آپ نے فرمایا 2010 میں ہوئے تھے. اور اتفاق کی بات ہے میں انیشیلی, یہ میرا دوسرا اسٹنٹ ہے ایم یو کالج لاہور میں, میں اس سے پہلے 2011 سے لے کے 2012 کے اینڈ تک بھی اس وقت پرنسپل رہا ہوں. وہ بہت اچھا فیصلہ تھا جو وہ ہوا, اور وہ اس کی ہم فیصلے کو اچھا مان رہے ہیں, یہی میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. انیشیلی وہ اس کی ٹیدنگ پرابلمز, آپ کچھ بھی شروع کرتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز آتے ہیں. آپ آج آ کے میری لیبارٹریز دیکھیے, میری لائبریری دیکھیے, میں اسی طرح اور کالجز کی بھی بات کروں گا, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. تشریف صاحب ایمانداری سے بتا دیں کہ کتنے ٹیچرز کی کمی ہے ایم یو کے اندر, وہ گورنمنٹ کی ترجیح ہے سر, آپ نے ڈیمانڈ بھیجنی ہے. میں نے ڈیمانڈ بھیجنی, اور میرے ٹیچرز, ہم ٹیچرز کی کمی کو پورا کر لیتے ہیں. میرے ہاں وزٹنگ فیکلٹی رکھنے ہم میرے ہاں آپ یہ جا کے دیکھ لیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں میری کوئی کلاس مس نہیں ہوتی, میرا بچہ پڑھتا ہے, میرے ریزلٹس بھی بہترین ہیں. یہ آپ کے کالج میں ہے, لیکن میجورٹی کالجز میں بچوں کی اٹینڈنس سے لے کر ان کی فیسلٹیز تک دیر آر ایشوز, یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, اور یہ ہم روز ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے ہیں. آپ خود بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ کالجز اور اسکولس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ پیرنٹس پریفر نہیں کرتے, ایون وہ اٹھا کر مہنگے اسکول میں بچے کو پڑھا لیتے ہیں اپنی جان مار کے کہ ہمارا بچہ کچھ پڑھ لکھ کے باہر نکلا. میں آپ کو بتا دوں پبلک ورسز پرائیویٹ سیکٹر, میں آپ کو ایک لمس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لمس میں چلے جائیے, میرا بیٹا خود لمس کا گریجویٹ ہے, وہ ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں, اگر آپ اس کے دیکھیں وہ 4 سال میں تقریباً کوئی 45 لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے. ہمارے یہاں آپ اگر آپ ایک بچے گورنمنٹ کالج, میں یہاں سے لمس کے ساتھ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو لے آتا ہوں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر بھی وہی کوالٹی ایجوکیشن, آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو چلنا میرے نہیں مان تو مانیں گے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو تو مانیں گے, وہاں بچہ پریفر کیوں نہیں کر رہا جانا, پہلی چوائس کیوں نہیں ہو رہی. اگین میں نے اپنے بچے کو بیٹے کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی, وہ ایک سسٹم کیونکہ اس نے او لیول اور اے لیول کر کے آیا تھا, اس نے اپنی پہلی پریفرنس کا اظہار کیا کہ میں نے اچھا گورنمنٹ کالج کی میں مخالفت نہیں کر رہا, لیکن ایک ارملا عباس سنیں کہ جب 1050 نمبر والا بچہ ایک سرکاری کالج میں پڑھے گا جا کے, اور وہ اپنی اکیڈمی اچھے طریقے سے پیسے لگائے گا اور محنت کرے گا, تو گورنمنٹ کالج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. پراپرٹی آپ دیکھیں, پرائیویٹ کالجز دیکھیں پنجاب کے اندر, میں پنجاب گروپ آف کالجز کی مثال لے لیں,
अब इतनी सख्ती है, इतनी मैनेजमेंट है, इतनी सख्ती सरकारी कॉलेज के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि तालीम के लिए जो ये फर्स्ट ईयर की जो उम्र है, आपको पता है कि स्टूडेंट किस तरफ माइल होता है और वो लड़कपन में होता है, गेमों की तरफ उसका ध्यान और होता है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया और बहुत सारे मामले उसको कवर करना पड़ता है। तो सरकारी स्कूलों के अंदर मैं समझता हूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लाइक स्टूडेंट भेज दें, अगर वो अकेडमी ना पढ़े तो मैं नहीं समझता कि वो अगले साल पास होगा। अब पोजीशन की बात कैसे, अगेन दिस हैज बिकम अ माइंडसेट। मैं मैथमेटिक्स में बहुत मिला, मैंने मैट्रिक में 33 नंबर लिया था और अल्लाह उस आदमी का भला करे जिससे मुझे 33 नंबर दे दिए, वरना मैं जगह पे ना बैठा होता। और हमारे ज़माने में, अब ये बहुत ये लेट 70s की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन समझा पढ़ना एक, हम बताते नहीं थे कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मायूब समझा जाता था कि आप नलायक हैं, आप नलायक हैं। मेरे वालिद खुद प्रोफेसर थे, ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इबाद बरेलवी उनका नाम, उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा बेटा इतना नलायक है कि मुझे इसको ट्यूशन पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और जब तक मैंने 85 में एमए पास किया, 87 में मैं गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आया, उसके बाद एक ट्रेंड बनता है। मिल ही नहीं रही है। हम, मैं खुद बात कर रही हूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं नहीं प्रेफर करूंगी कि मेरी कोई जनरेशन या मेरे नेफ्यू मेरी नीस में से कोई जाया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, क्योंकि वहां सेटल ही नहीं है। आपको मैं अपने इधर के भी एग्जांपल दूंगा, एमयू कॉलेज का। मैं आप अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे कॉलेज चले जाइए, वहां बाकायदा जो क्लासेस के लिए इंटरमीडिएट के लिए एक टेस्ट का शेड्यूल लगा हुआ है, उनका एक अभी एग्जाम शुरू हो रहा है। आपके कॉलेज की बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे कि आपके कॉलेज में सारी फैसिलिटी, लेकिन बाकी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट नॉन्स कर दे ना, यकसान साबे तालीम या यूनिफॉर्म सिस्टम को नॉन्स करेगी जब तक चले हायर एजुकेशन, तरजीह स्कूल ही है हायर एजुकेशन की। फिर स्कूल आपको पता है कि पिछले 12 साल के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक रुपया नहीं दिया। HEC का जो 1 खरब रुपए का बजट है उसको रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो यूज किया जाता है उसी पे यूनिवर्सिटियां कर रही हैं। और ये आप देखें कि गवर्नमेंट की तरजीह क्या, तो आप फीस नहीं बढ़ाएंगे तो और क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? यूनिवर्सिटियां क्या कर रही हैं, फीसें बढ़ा रही हैं, NOC की फीसें बढ़ा रही हैं, फलां की बहाने बहाने से पैसे लेती हैं। एक बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, उसे कहते हैं हमसे आप वो लें या इक्वलन सर्टिफिकेट लें, यार क्या वजह है, क्यों उससे 3,000 रुपया 5,000 रुपया आप लें? ये उसकी वजह है कि उन्होंने अपने टीचरों की फीसें उनको ये पे लेनी। मैं आपको बताता हूँ इसके जवाब में, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमें ये इनफैक्ट हमारे मिनिस्टर साहब ने राजा यासर हमायूं ने इस पर बकायदा टास्क फोर्स बनाई थी, आई वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ, और हमें ये बड़ा ये डिस्कस किया एग्जैक्टली कि भाई फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा एक BS ऑनर्स करके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो करने जा रहा है, तो उसको भाई इक्विवेलेंस लेने की क्या जरूरत है। दिस वॉज थरली डिस्कस्ड और इसके ऊपर हमने कुछ सिफारिशात दी हैं और आप देखेंगे कि इस पर अमल दरामद होगा कि इंटर यूनिवर्सिटी आपको इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं होगी। अब जो इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो ओ लेवल ए लेवल बच्चों को जो IBCC से मुझे लेना पड़ता है, आई पर्सनली थिंक, देखिए मैं IBCC का मेंबर रहा हूँ एज द चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड, आई एट माई लेवल मैंने इसको बड़ा थरली रेज किया था कि भाई आप उन बच्चों के साथ ज्यादती कर देते हैं उसको, क्यों उसका एक अजीब सिस्टम है, बार जो भी है मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट इक्विवेलेंस उस पर चलिए फिर भी बन जाती है। देखिए जिस यूनिवर्सिटी की मर्जी वो अपनी बुक्स लगाएं, किस ऑथर की बुक लगाते हैं, क्या करते हैं, वो देखें। आप जब यूनिफॉर्म सिस्टम कर देंगे फिर पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा रही है, कौन सा कॉलेज क्या पढ़ा रहा है। जवाब देता हूं, देखिए आप उसको करेंगे ना, प्रोग्राम फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी या एक पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची एमफिल में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आता है या किसी और यूनिवर्सिटी जाता है, एमफिल या PhD में जब एडमिशन लेगा उसके लिए उसको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, एक नॉर्मल उसके वो एक इंटरव्यू के प्रोसेस से जाएगा। मैं खुद मैंने मेरे 8 PhDs कराए हैं, मेरा ख्याल कुछ 50 के करीब मैंने एमफिल्स मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया है, एक प्रोसेस को, तो उसको इक्विवेलेंस लेने की क्या जरूरत है। और बाय द वे हर यूनिवर्सिटी में नहीं था, ये कुछ जगहों पे था, इसको हमने बड़ा थरली डिस्कस किया। मेरा मैसेज सबसे है कि आप ट्रस्ट कीजिए सरकारी इदारों के ऊपर, सरकारी कॉलेजेस के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर, और ये भी कहूंगा सरकारी अस्पतालों के ऊपर भी।
ठीक हो गया, हम ट्रस्ट करने की कोशिश तो करेंगे पर स्टेट भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और जो गवर्नमेंट और हम प्राइवेट का जो एक डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल भी वो भी दूर किया जाए। इसी रोड पर आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।